हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेंट एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टिल बर्थ। व्हाट इज स्टिल बर्थ? स्टिल बर्थ ये होता है अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है 20 वीक्स के बाद, मतलब 5 मंथ के बाद अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो उसको मिसकैरेज नहीं कहते हैं, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। मतलब पेट में ही बच्चे का जो है डेथ हो गई है, इसलिए इसको कहते हैं स्टिल बर्थ। तो स्टिल बर्थ बहुत ज़्यादा कहेंगे कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। काफ़ी सारे फीमेल्स को आपने देखा होगा, 5 मंथ तक तो प्रेगनेंसी ठीक ठाक चल रही होती है, उसके बाद कुछ इशू हो जाता है जिसकी वजह से स्टिल बर्थ रिजल्ट लेता है, मतलब बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तमाम तरीके के इसके कारण होते हैं, उसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, तो चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद है तो लाइक भी कर देना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्टिल बर्थ? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्टिल बर्थ, जहाँ पे आपका 20 वीक्स के बाद बेबी का जो है डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ। सबसे पहले बात करेंगे कुछ कारणों की वजह से, तो कौन से ऐसे कारण होते हैं। तो कारण होता है सबसे पहले हमारा जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब समय से पहले बच्चे की जो है डिलीवरी हो जाती है, उस उन कारणों में, या आपका बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, उन कारणों में भी स्टिल बर्थ की संभावना रहती है। सेकेंड पॉइंट होता है प्लेसेंटल इशूज। प्लेसेंटल इशूज़ किस तरीके के होते हैं? प्लेसेंटल रिलेटेड बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन होती हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही लेते हैं। प्लेसेंटा या तो सेपरेट हो जाती है, इसको कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है। प्लेसेंटा अगर ऑब्वियसली प्लेसेंटा ही बच्चे को ऑक्सीजन, खाना वगैरह सब प्रोवाइड कराती है, और प्लेसेंटा अगर टूट जाती है पेट में ही, तो बच्चे की डेथ होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तीसरी चीज़ कि जो प्लेसेंटा है वो सब बहुत ज़्यादा ही प्लेसेंटोमेगैली, आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि प्लेसेंटा का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे को ग्रोथ नहीं होने देता, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कुछ कारण होते हैं प्लेसेंटल जितने भी इश्यूज होते हैं, इसकी वजह से भी आपके जो है बेबी का जो है डेथ होने की बहुत संभावना होती है, बेबी ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आप सभी ने देखा होगा कि ऑब्वियसली एक दो गठाने आपने, आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर तो आपको कहेगा कि बेबी के गले के सराउंडिंग में जो कॉर्ड है वो है। तो एक दो कॉर्ड होने से कोई इशू नहीं, बट जब ज़्यादा कॉर्ड डेवलपमेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर हैं उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, बट गलती आप कहाँ करते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि अभी तो दो ही कॉर्ड थी, कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं, और नॉर्मल नहीं तो सीजरियन हो जाएगी। बट इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉर्ड होती है वो डबल भी हो सकती है, कभी कभी चार भी हो जाती हैं, तो इसकी वजह से ही बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाती है, बेबी की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक बेसिकली कारण होता है कि कॉर्ड अराउंड द नेक कितनी कॉर्ड है, और जो आपने लास्ट टेस्ट कराया था उस दौरान कितनी थी, और आपको जो सारे सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के वो हेल्दी लग रहे हैं, मतलब किकिंग वगैरह बच्चे की आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एल्स आपको प्रेगनेंसी जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन से कारण होते हैं, जैसे बच्चे की कोई एबनॉर्मलिटी, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, माइक्रोसेफेली, एनिसेफेली, ये जो चीज़ें होती हैं, और कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, इसके कारण भी बच्चे की ग्रोथ जो है पेट में रुक जाती है और बेबी ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जिस स्टिल बर्थ होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो ये तो थे बेबी में कितने तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मदर में कितने इश्यूज़ हो सकते हैं। मदर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब बेबी का स्टिल बर्थ होने की संभावना रहती है। कहने को तो कहेंगे ऐसा भी होता है, बट सीरियसली नहीं, ऐसा भी होता है मदर में इश्यूज़, जस्ट लाइक मदर को जो है हाई बीपी की संभावना है, प्री क्लैम्पसिया हो जाता है, अगर थायराइड डिसऑर्डर है, अगर ब्लड डिसऑर्डर है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है बेबी के साथ, तो भी बच्चे का स्टिल बर्थ होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली कहेंगे कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, क्योंकि इस दौरान ही आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस दौरान जैसे कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, कोई थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है, या ब्लड रिलेटेड खूनी जो भी हम कहते हैं इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड में जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है काफ़ी लोगों को, तो उस वजह से भी आपकी जो है स्टिल बर्थ की संभावना रहती है बेबी की, ठीक है। तो ये जो थे कुछ बेसिकली कारण थे। अब उन कारणों की बात करेंगे जिनका तो पता ही नहीं रहता, विदाउट एनी कॉज स्टिल बर्थ अकर्स। ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी आप ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, और खाने पीने का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा प्योर कहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस दौरान आपको खाने का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिकली कारण जिसकी वजह से स्टिल बर्थ होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर सिम्टम्स विच यूज टू अकर व्हेन द स्टिल बर्थ अकर्स, ठीक है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको ध्यान, कभी कभी सिम्टम लेस होता है, आपने काफ़ी सारी फीमेल को देखा होगा एकदम एंड ऑफ द 9 मंथ तक सबको ठीक चलता है, जब डॉक्टर देखते हैं तो
बेबी का तो पेट के अंदर ही इशू क्रिएट हो गया था, स्टिल बर्थ हो गया था, तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस इसमें होने चाहिए मदर की। मदर को जो है बच्चे का किकिंग, आप सभी जानते हैं कि बेबी किकिंग स्टार्ट हो जाती है अराउंड 5-4.5 मंथ्स में, उस दौरान उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि बच्चा कितनी देर में किक करता है, और लेफ़्ट साइड करवट लेके लेट जाइए, ठीक है? तो बच्चा या एकदम से ठंडा खा लीजिए, कुछ ठंडा पानी पी लीजिए, तो बच्चे की किकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं जो बच्चा इनको रिस्पॉन्स करता है। विल डिस्कस इट लेटर ऑन थोड़ा डिटेल में, बट लेट्स टॉक अबाउट हेयर ओनली के बच्चे की किकिंग जो है ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगता है 2 घंटे से ज़्यादा किकिंग नहीं आई बच्चे की, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल सोचती हैं अरे 9 मंथ तो हो गया, सब कुछ ठीक ठाक था, हम तो देख के आए थे, कोई इशू की बात नहीं है, और जब चेक करते तो प्रॉब्लम लगती ही है। तो इसलिए आपको बच्चे की किकिंग जो है ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही एक कहेंगे ज़रिया होता है कि बच्चे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दैट ही और शी इज़ ओके और नॉट, ठीक है? तो ये जो एक जरिया होता है ना, इसी को हमको अपने अपने ऊपर इम्प्लीफाई करना चाहिए, ताकि पता चले बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है। थोड़ा सा जैसे हमने बताया, कुछ स्टिमुलेशन देने से बेबी रिस्पॉन्स करता है। तो इस चीज़ को देखिए, इग्नोर मत करिए कि बच्चा 2-3 घंटे से किकिंग नहीं करी है तो यार इट्स नॉर्मल, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स को इस कारण की वजह से ही कि वो लोग स्टार्टिंग के टाइम में सचेत नहीं हो पाते हैं, उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपको बेबी किक्स महसूस नहीं होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है? दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि आपको ब्लीडिंग होगी, काफ़ी फीमेल्स में होता है। ब्लीडिंग के साथ साथ क्लॉट्स भी आ सकते हैं और पेन भी हो सकता है लोअर बैक में, लोअर एब्डोमिन में, तो जैसे सिम्टम ऑफ दैट यू आर हैविंग अ मिसकैरेज, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसको प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंट करने से पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करिए प्रॉपर तरीके के। सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड भी जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मल्टीपल मार्कर टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टेस्ट कराइए। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रेमेस्टर में कौन से टेस्ट करना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, तो ये भी टेस्ट कराइए। साथ ही साथ जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। कोई भी मेडिसिन अपने हिसाब से नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ा सा कुछ अरे घर की मेडिसिन खा लेते, नहीं, प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेना इज़ रियली वेरी डेंजरस, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, यू आर हैविंग अ बेबी अलॉन्ग विथ यू इन योर वूम। तो वूम में बेबी को सेफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए हमको कुछ भी नहीं अपने आप से खाना है, कोई मेडिसिन अपने आप से नहीं खानी है, ठीक है? इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखिए, अपने हिसाब से आप कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे, ठीक है? और प्रेगनेंसी के दौरान तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने हिसाब से आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है? कोल्ड भी हो रहा है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, अपने हिसाब से कुछ मत लीजिए जड़ी बूटियाँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान, बेटर टू अवॉइड रादर देन टू फोकस ऑन द जड़ी बूटीज एंड ऑल दिस स्टफ, राइट? तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने रेगुलर चेकअप कराइए, वैक्सीनेशंस लगवाइए, और हाँ, इन्फेक्शंस भी कुछ कारण होते हैं आपके स्टिल बर्थ के। इन्फेक्शंस में जस्ट लाइक रूबेला हो गया, CMV हो गया, हर्पीस हो गया, सिफिलिस हो गया, ये जो कुछ होते हैं ना इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, ठीक है? तो ये तमाम तरह के कारण है ना, इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। इट्स बेटर टू फोकस ऑन द डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, प्री प्लान विजिट कर लीजिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लीजिए, और प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाइए, देन प्रेगनेंसी प्लान करिए, ठीक है? आगे जाके प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल फिजिकल इश्यूज दोनों क्रिएट होते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बस यही था वीडियो अबाउट स्टिल बर्थ कैसे क्यों होती है, क्या रीजंस होते हैं, और होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड जैसे शेयर करिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।